तो भैया एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और इतने समय के बाद जाके अब वीडियो आया है, एक व्लॉग आया है। तो पूरा यहाँ तो भैया पूरा प्रदेश ही चेंज हो गया है। यह भी अगर आप पहचान सको तो चलो मैं बाहर जाके अच्छे से दिखाऊंगा। बट फाइनली अभी कनाडा के अंदर पहुँच गया हूँ मैं। लाइफ काफ़ी चेंज हो गई पिछले कुछ महीनों में। तो वो कैमरा तो बिल्कुल नीचे ही था, कोई व्लॉग वगैरह मैंने बिल्कुल ज़्यादा बनाया नहीं। तो अभी अभी बस अपने रूम पे ही था, बस अपना ये छोटा सा एक रूम है इधर। अभी ये सब चलो इन सब चीज़ों के बारे में बाद में दिखाऊंगा। अभी थोड़ा जा रहा हूँ बाहर और कुछ चीज़ें भी लेके आनी, कुछ चीज़ें करनी है। अभी बेसिकली एक हफ्ता हुआ है मेरे को वैसे यहाँ आए, और थोड़ी तबीयत वगैरह काफ़ी ख़राब सी हो गई थी बीच में। अभी भी थोड़ा गला सा लग ही रहा होगा। तो बस थोड़ा सा कि ठीक है अभी बच गए। मैं थोड़ा इंडिया से दवाइयाँ लेके आया था। मेरे को सबने बोला था कि थोड़ी दवाइयाँ लेके आना, क्योंकि हेल्थ केयर तो यहाँ भैया बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मेरी के इंश्योरेंस है वैसे मेडिकल की यहाँ पे, बट वो मेडिकल की इंश्योरेंस अभी स्टार्ट नहीं हुई, वो 1 तारीख से स्टार्ट होगी। तो उसके पहले भी हमारे पड़ गए आते ही। तो फिर बस अभी मैंने एक एस्टिमेट इधर देखा था, तो $200-250 के आसपास तो डॉक्टर को दिखाने का, और उसके ऊपर दवाई। तो मतलब इंडिया के यार 50-60 हज़ार रुपये मान लो आप एक डॉक्टर की विजिट के, 3 दिन की दवाई के। तो चलो एनी विच वे अभी देखो यहाँ बजे 3:15 हुए हैं अभी यहाँ के, और अभी चलते हैं बाहर। आपको थोड़ा बाहर का भी दिखाता हूँ, और आज एप्पल स्टोर भी जाके आना है। मेरे को मैकबुक वगैरह देखना है, तो वो लेना तो था ही, तो मैं लगा यहीं आके ले लेते हैं, यहाँ थोड़ी प्राइसेस भी सही है, सस्ता भी है। तो एक बार देखता हूँ कौन सा जाके लेते हैं, क्या करते हैं, और चलता हूँ। बाकी आपको बाहर से दिखाता हूँ। और चलो इस टाइप का यहाँ पर थोड़ा सा किचन एरिया, ये घर है, इसमें ऊपर भी लोग हैं नीचे भी लोग हैं। अभी बाहर गया था थोड़ी देर पहले, तो एक बस कॉफ़ी लेके आया था, कॉफ़ी उठाने की आदत। और ये थोड़ा बैक यार्ड है, ये थोड़ी फुर्सत में दिखाऊंगा कभी आपको अच्छे से। ये पीछे घर है, यहाँ पे भी कोई इंडियन फैमिली रहती है। किचन विचन थोड़ी सी यार इनकी गंदी रहती है वैसे, ऑनेस्टली इतनी साफ़ सफाई है नहीं इधर। ये बेसमेंट हो गया, यहाँ पे ये ऊपर जाने के रास्ते हो गए, और इधर बाकी सारे रूम्स हैं। तो देखो ये अपनी एंट्रेंस है घर की, और ये मिसेस आगा है। ये जैसे देखो घर का, ये ड्राइव थ्रू नहीं बोलते। और ये मिसेस पीछे जो बिल्डिंग्स दिख रही है ना, वो देखो वो वाली, ये मिसेस आगा वाला जो मेन डाउनटाउन टाइप एरिया है वो है। तो अपने घर से इधर पास ही है वैसे काफ़ी, तो इस टाइप का कुछ घर है, खुले खुले से घर होते हैं यहाँ काफ़ी। तो मैं अभी खुद भी अभी नया ही आया हूँ, तो बस धीरे धीरे इधर समझने रहने की कोशिश कर रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या सिस्टम है। और ये देखो यहाँ की गाड़ियाँ, गाड़ियाँ तो भाई यहाँ ख़तरनाक आई हैं। देखो मैं खड़ा हूँ तो मेरे लिटरली चेस्ट पे तो इसका ये जो पीछे का जो डाला बोलते हैं अपने इंडिया में, जो जहाँ पे सामान वामान डाल के अपना जो फ्लैट बेड टाइप वाला जो एरिया होता है वो है। गाड़ियाँ काफ़ी, गाड़ियों में यहाँ लोग बहुत इन्वेस्ट करते हैं। और ये देखो इस टाइप का यहाँ पर ये मेल बॉक्स है, ये इस एरिया का, एरिया के जो भी चिट्ठियाँ होंगी वो यहाँ आके डाल देंगे, घर आके नहीं पटक के जाते आपके, यहाँ आएगा, यहाँ पाके अपना चेक करो कि आपका नंबर जो भी अलॉटेड है उसमें आपको देखे जाते हैं। और जैसे चलना भी है तो आप ऐसे यहाँ ना रोड पे नहीं चल सकते ऐसे कि यहाँ, क्योंकि गाड़ियाँ चलती हैं तो आपको झकान देनी पड़ती है उनके लिए। तो आपके लिए ऐसे पूरा पाथ है ये, हर रोड के साइड पर आपको वहीं आपको करना है। ये देखो यहाँ पर भी एक गाड़ी बड़ी खड़ी है, और ये क्योंकि आज यहाँ पर क्या अपना वो हो गया, वेडनेसडे हो गया, तो वेडनेसडे के दिन यहाँ पे कचरे की गाड़ी आती है, बड़ा सा ट्रक आता है। तो उसमें इसके वजह से सब ने अपने अपने जो कचरे वाले ये डब्बे हैं घर सबको निकाल के यहाँ रखे हुए हैं, और ये आके खाली करके छोड़ के चले गए। आप वापस धो धा के इनको अंदर रख लो। ये देखो नई वाली टोसोंग खड़ी है, इधर ही टोयोटा की पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं यार यहाँ। ओवरऑल वैसे एक हफ्ते में मैंने एक चीज़ यहाँ ज़रूर रियलाइज़ की कि ना यहाँ शांति बहुत ज़्यादा है। अभी देखो कोई हॉर्न नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब शांति कुछ ज़्यादा ही शांति है यहाँ पर। मतलब अपने को कि इंडिया में रहते हैं ना तो इतनी आदत ही नहीं होती इतनी शांति की, और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से ही हर चीज़ होती है। गाड़ी भी लोग लगाएंगे, सड़कों पे भी घूमेंगे चलेंगे तो एकदम सिस्टमेटिक तरीके से ही। देखो भाई कितना खूबसूरत बना रखे हैं लोगों के अपने घर के बाहर की साइड्स, तो अच्छा है यार यहाँ तो। देखो अभी तो वैसे बेस्ट टाइम है ही कनाडा का यहाँ रहने और आने सबके लिए, क्योंकि इस टाइम सर्दी होती नहीं बिल्कुल, हल्का हल्का ठंडा ठंडा प्लेजेंट सा रहता है, और बढ़िया। ये देखो भाई ने लेक्सस खड़ी कर रखी है इधर, क्या बढ़िया गाड़ी है। गाड़ियाँ तो मतलब मैं आपको गाड़ियाँ तो बहुत दिखाऊंगा यहाँ। और मैं सेकंडली ये भी सोच रहा था कि जो भी जैसे चीज़ें मैं खुद कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे अगर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की तरीके से जो भी मैं कर रहा हूँ और जो भी चीज़ें मैं यहाँ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, या यहाँ पे क्या कैसा मिलता है, वो भी सब मैं आपको ओवर टाइम वीडियोस में बताता रहूँगा, जैसे कि क्या से क्या है, कैसा किस तरीके से। तो देखो थोड़ा चलते चलते इस साइड आ गया, देखो ये डाउनटाउन वाला एरिया है, आपको दिख रहा होगा। और अगर आप मिसिसागा सर्च करोगे तो देखो वो यहाँ की सबसे फेमस बिल्डिंग है, ये मेरिलिन मॉनरो टावर बोलते हैं।
ये सबसे फेमस है यहाँ के। और ये इनका एक नॉर्मल जो इनके अलग अलग नंबर्स होते हैं हाईवेज के, तो ये इनका एक हाईवे है देखो। और पास से जाके और दिखाता हूँ, अब शोर काफ़ी है तो शायद सुनेगा नहीं। ये देखो कैसे सिस्टमेटिकली चलाते हैं, लेन्स का और ये सब का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं इधर। और हॉन्किंग वगैरह कोई ऑन नहीं बजाएगा हल्का सा भी। देखो जगह जगह देखो फुटपाथ जैसे डिवाइड हो जाते हैं। ये देखो यहाँ बोर्ड लगाना है बस साइकिलिस्ट का उधर, और तो ये वाला आगे वाला जो ओला ट्रैक है ये वाला सिर्फ साइकिलिस्ट के लिए है, और इधर आप अपना पैदल मत चलो। ये देखो ये बस स्टॉप है छोटा सा, यहाँ पूरा रूट है कहाँ कहाँ जाना है क्या। और ये जो दिख रहा है ना सामने, ये वाला पूरा कॉलेज है। ये उसके पीछे ये वो एक ब्रिज सा भी है छोटा सा, दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा पास जाकर दिखाता हूँ। बड़ी पूरी लंबी पूरी बिल्डिंग है कि है। और ये आईमैक्स है, ये इधर से एक वो है मतलब थिएटर है जैसे अपने आईनॉक्स वगैरह होते हैं। और एक मिनी खड़ी है यहाँ पे ना, ऐसे पोल्स पे ना एक बटन होता है, अब उसको दबाओ उसके बाद ये आप क्रॉस कर सकते हो जब आपकी लाइट ग्रीन हो, नहीं तो आप ये उस तरीके से फिर इलीगल होता है। देखो ये छोटा सा बटन दिखाता हूँ, ये रहा, इसको प्रेस करो फिर आपके लिए लाइट हो जाएगी। ऐसे ये इधर पाथ आ गया, ये कॉलेज है पूरा, ये बिल्डिंग से लेके वो पीछे पूरा, ये पूरा का पूरा कॉलेज है शेरिटन कॉलेज। ये लाइब्रेरी है इनकी यहाँ पे। ज़्यादा तो मैं घूमा नहीं, एक दो बार ही आया हूँ, बट देखो ये पूरा इनका कॉमन एरिया है, ये सारा जो बेंचेस और ये बैठने की जगह है सारी की सारी कॉलेज की है। मतलब ये मेन इधर स्क्वायर वन वाला जो एरिया है यहाँ पे, इसके आसपास ही है सारा। देखो इधर पूरा ये कॉलेज हो गया, और ये स्क्वायर वन है, ये स्क्वायर ही पूरी इनकी, दिखाता हूँ पास से दिखाता हूँ रुपये। देखो ये पूरी इनकी पार्किंग होगी स्क्वायर वन वालों की, मतलब ये पूरा बड़ा सा एक पूरा मॉल है, इसमें सारे ब्रांड सब कुछ है। और वो ये बिल्डिंग जो पीछे बता रहा था आपको, सबसे फेमस ज़बरदस्त गाड़ियाँ चलाते हैं ये लोग। ये देखो ये कि सर्कल आ गया, और ये एक एक साइड कॉलेज की बिल्डिंग ये हो गई, ये इनका एक ब्रिज है जैसे ही सेपरेट है, और एक साइड की जो है कॉलेज वो इधर हो गई। अभी सर्कल से ऐसे रोड क्रॉस करनी है तो मैं इधर सीधा कर सकता हूँ, और कोई भी गाड़ी आसपास होगी वो रुक जाएगी। अभी ऐसे इधर से हम क्रॉस कर लूँ तो अभी तो जैसे ये पहले ही आ गया, नहीं तो अब जैसे देखो वो उस गाड़ी को इधर मुंडा है बट वो रुक जाएगा अभी। ये रुक गया, ये देखो तो इन्हें इसने मेरे को साइन कर दिया कि आप चले जाओ, और उसके बाद फिर अब आगे आप जा सकते हो। ये सारे वापस चल पड़े, तो पेडेस्ट्रियन के लिए तो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट है यहाँ पे लोगों की। और इसे पीछे तक लाइन लगा के खड़े रहेंगे, बट ये नहीं है कि कोई हॉर्न बजा दे कि चलो जल्दी, ये वो कुछ ना। तो इन मामलों में बहुत सोफिस्टिकेटेड सिस्टमेटिक है ये मॉल में बन गए, फुल है सारी। देखो ये रहा आपको स्टोर यहाँ का, तो ये वाला देख रहा था मैं, ये M2 है, ये 15 inch वाला, तो देख रहा हूँ उस पर क्या डील है। ये 1749 का है, इसमें कलर्स वगैरह भी काफ़ी सारे हैं। ये 15 inch है, ये 14 inch है, 13 inch है ये, सॉरी चलो अभी डिसाइड कर रहा हूँ, देख रहा हूँ इधर बाकी आईफोन्स वगैरह अपने देखते हैं। अभी क्या उधर एप्पल स्टोर में तो थोड़ा सा जो चीज़ चाहिए थी वो मिली नहीं, तो वहाँ से तो खा लिया था ना, पता तो वॉलमार्ट आया था थोड़ा सामान देखने के लिए। और इधर मैकडी भी, तो पहले मैकडी कुछ खाऊंगा उसके बाद बचा कुछ सामान लूँगा। ये देखो मैं डिटेल्ड तो आपको एक बार बाद में दिखाऊँगा, बट देखो 287 मतलब लगभग 380 रुपये कुछ का दही है ये, ठीक है वैसे ये तो नॉर्मली। देखो ये प्याज है यार, प्याज का सही है देखो मेरे हाथ जितने बड़े, और बहुत वैरायटी मिलती है हर चीज़ की यहाँ पर, अब्दुल प्याज भी आपको 100 तरीके के मिलेंगे। तो ये $2 के हैं, 120 रुपये किलो। आलू 160 कुछ हो गए लगभग, आलू में भी वैरायटी देखो तो बड़े बड़े अजीब चीज़ें मिलती हैं। और ऐसे ही सब कुछ है यहाँ पे, मतलब सारा आप ले सकते हो खुद ही और कर सकते हो। अभी तो मैं जो चीज़ें ढूंढ रहा हूँ बस वही लूँगा, बाकी डिटेल में आपको बाद में बताऊँ। ये मीट पड़ा है यहाँ पर लो प्राइस, ये देखो इधर लौकियाँ इनकी कैसी चीज़ है, लौकी है शायद, यहाँ लौकी है। देखो $6 के केक्स पड़े हैं यहाँ पे, ये रोटियाँ हैं, मैं भी ली थी फ्रोजन वाली। ये पूरा बेकरी सेक्शन है सारा इनकी, ये जो यहाँ बेक करते हैं और उन सबका। ये देखो मैगी की चीज़ें पड़ी हैं, हर टाइप की आपको यहाँ ब्रेड रोटियाँ वो सब मिल जाएगा।
मतलब वैरायटी बहुत है। ये है देखो इस टाइप की, इनके बारे में बता रहा। ये देखो ये रोटियां, ये मैं लेके आया था, कितने की हैं ये? 15 रोटियां आपको मिल जाती हैं ये $2 की, 120 रुपये की। ये ब्रेड्स हैं सारी, सारी टाइप की ब्रेड मिल जाएंगी, जो भी ब्रेड चाहिए जिस भी शेप की साइज की सब मिल जाएगा। मतलब जी थोड़ी प्राइसी है, देखो 367 की है। ये तो छोटे पीसेज हैं, वो गार्लिक ब्रेड बनाने टाइप वाला। हाँ तो वॉलमार्ट से भी आ गया था बाहर, क्योंकि वॉलमार्ट में भी जो एक दो चीज़ें चाहिए थी वो भी नहीं मिली, और एप्पल स्टोर में तो मैकबुक जिस कलर का चाहिए था और जो स्टोरेज वाला चाहिए था वो दोनों अवेलेबल नहीं था। वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, फिर स्टोर से पिकअप कर लेना। तो अभी घर जाके आराम से ऑनलाइन ऑर्डर करूँगा, देख पर रखे, क्योंकि उसमें वो 2-4 ऑप्शन और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं जब ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं बस। तो फिर अभी वॉलमार्ट में भी जो चाहिए था वो मिला नहीं, अब बस निकल रहा हूँ। ये देखो ये पूरा पार्किंग लॉट है यहाँ का, ये देखो ट्रक क्या मस्त खड़ा है, और ये चलते रहते हैं। ये मेन एरिया यहाँ का यही है, देखो काफ़ी बिजी एरिया रहता है ये, जितनी बार भी आऊँ ये खूब ट्रैफिक रहता है। ये शेरिटन कॉलेज है इस साइड से। चलो अब वहाँ पे तो हो गया, बस अब यहाँ से निकल रहा हूँ घर के लिए, जाऊँगा रात का खाना बनाऊँगा और खा कर सो जाऊँगा, और तो कुछ काम है नहीं अभी करने के लिए। और यहाँ पे वैसे भी ना जो धूप है वो 8:30-9 बजे तक रात के खूब लाइट रहती है यहाँ पे। अभी है 10-15-20 मिनट की वॉक है बस, फिर घर जाऊँगा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर कुछ अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसे एक वीडियो में। बाय।